आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट, बहुत सारी चीजें से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो यू शुड नो दिस टॉपिक वेरी वेल, यू हैव टू नो दिस टॉपिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो लेट्स डिस्कस इन टूडेज क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझ सकते हो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायोमास है, जियो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सारे जो है एक तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक्चुअली होता क्या, तो यू कैन इजिली डिफाइन इट एज रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो नोन एज क्लीन एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को ही हम लोग क्लीन एनर्जी बोलते हैं। कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और प्रोसेसेस दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड, यानी कि ऐसे बेसिकली सोर्सेस या फिर ऐसे ऐसा सोर्स, ऐसा नेचुरल सोर्स एनर्जी का जो लगातार रिप्लेनिश्ड हो रहा है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। जितना हम उसको यूज करेंगे वो अपने आप फिर से उतना ही उसकी उत्पत्ति हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूअल सोर्सेज बोलते हैं एनर्जी, राइट, रिन्यूअल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट, वाटर, विंड, टाइड्स, जियो थर्मल हीट, बायोमास, ये सभी जो है एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट का हम जितना भी उपयोग करेंगे कभी खत्म नहीं होगी, जब तक सन है तब तक चलता रहेगा, तो इसका मतलब सोर्सेस जो है ये खत्म नहीं होने वाले। इसी तरह वाटर है, वाटर जब तक फ्लो हो रहा है तब तक हम यूज करते रहेंगे और वाटर एकदम से खत्म नहीं होने वाला। विंड भी वही है, विंड जब तक है तब तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, राइट। तो ये सभी जो है रिन्यूअल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब देखो, द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड बाय रिन्यूअल एनर्जी सोर्सेस इज यूज्ड इन फाइव इंपॉर्टेंट एरियाज सच एज एयर, वाटर, कूलिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड रूरल सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये पांच मेजर एरियाज में जो है इनका हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि रिन्यूअल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBACIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको 24/7 रिविजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, और यही सारे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में इन डेप्थ अगर आप इस टॉपिक को बताना होगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स को बोलोगे, राइट। अब जैसे मेनी कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन दीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज दीज सोर्सेज विल हेल्प इन मेंटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि कई कंट्रीज जो हैं ऑलरेडी इन रिन्यूएबल सोर्सेज पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है कंट्रीज ने, क्योंकि ये जो सोर्सेज हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, राइट। जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं उसके UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंतर्गत भी एनर्जी सोर्सेज को रखा गया, राइट। तो ये इस तरह से एनर्जी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी पूरा करेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज स्प्रेड ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। अब ये काफी अच्छा पॉइंट है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो फैले हुए हैं, मतलब सीमित नहीं है, वो हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विच आर ऑफन कॉन्सेंट्रेटेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं वो एक सेंट्रलाइज होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्रीज में ही मिलेंगे, अदर जगह नहीं मिलेंगे। तो सेम थिंग ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस है वो वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में
फैले हुए होते हैं, मतलब इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लाइक द ऑयल एंड गैस आर मोस्टली कंसेंट्रेटेड इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहां पर ही आपको जो ऑयल और गैस के जो है ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, राइट। तो सबसे अच्छी बात ये रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन एनर्जी जनरेशन रिजल्टिंग लेस पोल्यूशन एंड हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं ये एनर्जी जनरेशन में इनका काफी अधिक हम यूज कर सकते हैं, और इससे पॉल्यूशन जो होता है वो भी कम होता है क्योंकि ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और इसका इफेक्ट भी काफी ज्यादा पड़ता है इकोनॉमिक के साथ साथ जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है दोनों, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि इसका ओवरऑल जो है मैनीफोल्ड इसका इम्पैक्ट जो है बेटर ही रहता है, अच्छा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफिकल लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया से हम इसको कवर भी कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन इजिली जो है आप इस चीज को बता सकते हो काफी अच्छे तरीके से, और ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू रिमेम्बर। यू कैन इजिली रिमेम्बर दीज पॉइंट्स जस्ट बाय रीडिंग वंस और ट्वाइस, एक दो बार पढ़ेंगे इजिली आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, राइट। और वेरी कॉमन एंड सिंपल पॉइंट्स आर दीज आर वेरी वेरी सिंपल। अब देखो इसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज इनवैल्यूएबल, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, इनवैल्यूएबल मतलब इनवैल्यूएबल का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू नहीं है, ऐसे मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, महत्वहीन नहीं है इसका मतलब। इनवैल्यूएबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल कोल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ऑयल कोल या फिर नेचुरल गैसेस उनसे काफी डिफरेंट होते हैं ये जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे सम एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के एग्जांपल भी आपको पता होने चाहिए, यू शुड हैव कीप इन योर माइंड, आपको ध्यान रखना है। विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, राइट, सो देन यू हैव टू आंसर दिस। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, फाइव सोर्सेज हैं, विंड, सोलर, जियो थर्मल और हाइड्रो हाइड्रो पावर, बायोमास, राइट। तो ये बेसिक जो है यहाँ पे आप ध्यान रखोगे सोर्सेज को। इसके अलावा सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या है, सोर्सेज की बात कर लेते हैं। द सोर्सेज कुड सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इजिली बी रिन्यूड ऑफन, ठीक है, यानी जो सोर्सेज हैं वो लॉन्गर समय तक रहेंगे और आसानी से रिन्यूड भी हो जाएंगे, राइट। सस्टेनेबल सोर्सेज आर बायोमास, न्यूक्लियर पावर, जियो थर्मल, विंड एनर्जी, सोलर पावर, टाइडल पावर, वेव पावर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सस्टेनेबल सोर्सेज कौन से हैं, बायोमास है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जियो थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर पावर है, टाइडल पावर है, वेव पावर है, ये सारी जो है एक तरह से कहीं ना कहीं हम इनका उपयोग कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर नोन टू बी लेस पोल्यूटिंग एंड देयरफॉर होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू कार्बन एमिशन नॉर्म्स, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड आ गया कार्बन एमिशन नॉर्म्स। कार्बन एमिशन नॉर्म्स क्या है कि कौन सी कंट्री कितना ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, राइट। तो इसको लेकर के भी कई सारे नॉर्म्स आ चुके हैं, तो इसी वजह से आए हैं जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है ये लेस पोल्यूटिंग होते हैं, इस वजह से पूरी दुनिया जो है ये कार्बन एमिशन पे फोकस कर रही है। कार्बन विल प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपिंग न्यू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब कोई भी नई फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो मेजर रोल जो है ये कार्बन ही प्ले करेगा, रेट उसके बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगी वो फैक्ट्री ओपन होगी या नहीं होगी। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दे विल बी रेटेड अकॉर्डिंग टू द कार्बन एमिशन एंड द प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूसिंग विल बी रेटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है, यानी कि सारी चीजें किस पे डिपेंड होगी, कार्बन इमिशन पे डिपेंड होगी कि जो फैक्ट्री है किस हिसाब से कार्बन इमिशन इसका हो रहा है, प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से जो है उसको रेट किया जाएगा सेम वे में। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाएगा कि कौन से इको फ्रेंडली है, कौन सी फैक्ट्री इको फ्रेंडली नहीं है, तो काफी हद तक इसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा यहाँ, राइट। तो इस चीज को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में। टाइप्स ऑफ एनर्जी में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आप डिटेल में भी चीजों को इलाबरेट कर पाओ, बता सको, राइट। तो पहली है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपको पता ही है, द रेडिएंट लाइट एट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज हार्नेस्ड विद द यूज ऑफ सोलर कलेक्टर्स। ठीक है, सोलर कलेक्टर्स आपने सोलर पैनल का नाम सुना होगा, ठीक है। सोलर पैनल्स हैं, सोलर कलेक्टर्स जो होते हैं, इनके थ्रू जो है रेडिएंट एनर्जी, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, यहाँ पे ये एक तरह के सोलर पैनल्स हैं, इन्हीं में सोलर कलेक्टर्स लगे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इनके थ्रू जो है हम रेडिएशन को ट्रैप करते रहते हैं, राइट। तो इसको आप यहाँ पे बता सकते हो कि रेडिएंट लाइट और हीट एनर्जी जो सन से निकलती है उसको हम हार्नेस कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं सोलर कलेक्टर्स के थ्रू। दी सोलर कलेक्टर्स और वेरियस टाइप्स, ये कई तरह के होते हैं, सच एज फोटोवोल्टिक कॉन्सेप्रेटर, फोटोवोल्टिक सोलर हीटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एंड सोलर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सभी टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग सन हीट को ट्रैप कर सकते। दिस कलेक्टेड सोलर एनर्जी इज देन यूज टू प्रोवाइड लाइट, हीट एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप देखो ये जो इससे हम जितने भी सोलर एनर्जी कलेक्ट करते हैं इन जो कलेक्टर्स के थ्रू, इसके बाद इसका हम उपयोग करते हैं लाइट के एनर्जी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग फॉर्म्स में कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन कि व्हेन एंड हाउ वी यूज सोलर एनर्जी और व्हाट आर हाउ वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, वी यूज सोलर कलेक्टर्स फॉर इट, राइट। तो सोलर कलेक्टर्स और सोलर पैनल्स का हम लोग यूज करते हैं जो सन की एनर्जी रेडिएंट हीट है उसको ट्रैप करने के लिए। क्लियर है सभी को? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, सेकेंड नंबर पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप में, आपका विंड एनर्जी। विंड यानी जो हवा, पवन, पवन ऊर्जा जो है, इसके बारे में यहाँ पे बता सकते हो। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम विंड इज नोन एज विंड एनर्जी। ठीक है, विंड यानी पवन या हवा से जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग पवन ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी बोलते हैं। फॉर दिस विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर 100 ऑफ इयर्स टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, विंड मिल्स का हम लोग यूज करते हैं। वी यूज लार्ज टॉल विंड टर्बाइन्स दैट अलाउ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो लार्ज टर्बाइन्स होती है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। साथ ही साथ नेचुरल एयर फ्लो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज यूज टू रन द विंड टर्बाइन। ठीक है, आप कह सकते हो जो नेचुरल एयर फ्लो है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसको ही हम लोग यूज करते हैं टर्बाइन को मूव कराने के लिए, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये दिस इज वेरी कॉमन और आपको पता होगा विंड एनर्जी की। यहाँ पे मैं चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, जो विंड ये एक तरह से, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से पवन चक्की जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी है उसका उपयोग किया जाता है, और ये जो है नेचुरल जो विंड है उसके थ्रू ये मूव करती है और फिर एनर्जी जो है रिड्यूस उसको स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप याद रखो, जो टर्बाइन्स होती है, विंड टर्बाइन्स होती है, उस तरह से आपका यूज होती है। मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन फॉर दीज विंड टर्बाइन्स बी टू बी इंस्टॉल्ड आर एरियाज वेर स्ट्रॉन्ग विंड हैव कॉन्स्टेंट एयर फ्लो ऑन ऑफ शोर एंड साइट्स दैट आर हाई एटीट्यूड। ठीक है, हाई एटीट्यूड यानी जो ऊंचाइयों पर जगह होती है वहां पे लगाई जाएगी, या फिर जो ऑफ शोर एरियाज होते हैं उन जगह पे जहाँ पर एयर फ्लो जो है कॉन्स्टेंट रहता है, ऐसी जगहों पर जो है पवन चक्की या फिर ये जो विंड टर्बाइन से लगाई जाती है, राइट। तो उसको भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन इजिली रिमेम्बर, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल मीन है आप वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अराउंड 16.6% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, जो भी ग्लोबल एनर्जी सोर्सेस हैं उसका अराउंड 16.6% जो है जनरेट होता है केवल और केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 70% और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है वो अराउंड 70% जो हम केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करते हैं। दिस इज वेरी हाई परसेंटेज, राइट। दिस एनर्जी इज अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स ऑन द फ्लोइंग रिवर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? हम डैम्स या रिजर्वायर्स से बांध बना के एक तरह से इनका जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं।
द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर इज यूज टू रन द टर्बाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यानी कि एक तरह से फ्लोइंग वाटर जो होता है एक तरह से टर्बाइन्स को रन करता है, घुमाता है, उससे ही क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. राइट, तो यहाँ पे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता सकते हो. आपसे डायरेक्टली भी पूछा सकता है वो हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड या व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देन यू कैन आंसर दिस वेरी इजीली. राइट, टाइडल पावर कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स एंड वेव पावर विच कैप्चर्स द एनर्जी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ओशियन वेव्स फॉर पावर जनरेशन. ठीक है, टाइडल पावर या टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, जो वेव्स होती हैं उससे ही हम एनर्जी जो सरफेस पे ओशन के सरफेस पे जो वेव्स होती है उससे ही पावर जनरेट किया जाता है इसमें. राइट, दीज टू फॉर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर आर ऑल्सो ह्यूज पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. ठीक है, इनमें भी काफी अच्छा पोटेंशियल है जिससे हम पावर एक तरह से जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. इसके अलावा आता है जियो थर्मल एनर्जी. जियो थर्मल, जियो का मतलब क्या है, अर्थ से है. ठीक है, और थर्मल का मतलब होता है हीट. ठीक है, तो जियो थर्मल का मतलब वो हीट जो अर्थ के अंदर है. ठीक है, यानी अर्थ की हीट को उपयोग करते हैं हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसी को हम लोग जियो थर्मल हीट बोलते हैं. राइट, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इट इज द एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द थर्मल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द अर्थ. ठीक है, अर्थ में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, एक तरह से हीट के फॉर्म में. द हीट एनर्जी इज कैप्चर्ड ऑन सोर्सेस सच एज हॉट स्प्रिंग्स एंड वॉल्केनोस एंड दिस हीट इज डायरेक्टली यूज बाय इंडस्ट्रीज फॉर हीटिंग द वॉटर एंड अदर पर्पज. ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है, ये जो हीट एनर्जी है, इसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, वॉल्केनोस हैं, इन सभी का हम लोग योग उपयोग करते हैं. राइट, तो जो थर्मल एनर्जी भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे. इसके अलावा आता है बायो एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे. ठीक है, इंटरव्यू के लिए ये जो टर्म है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन बी आस्क्ड अबाउट बायो एनर्जी, व्हाट इज बायो एनर्जी, देन यू शुड अंडरस्टैंड यू सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट. दिस टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम द बायोमास. ठीक है, जो बायोमास होता है उससे हम इस टाइप की एनर्जी जनरेट करते हैं. विच इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल डिराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. डिराइव मटीरियल्स विच आर कॉल्ड लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास. ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये बायोलॉजिकल मटेरियल होता है. बायोमास के बारे में आपको पता ही है, और जो बायो एनर्जी है वो बायोमास से जनरेट होती है. राइट, ये बायोमास कैन बी डायरेक्टली यूज्ड वाया कम्बशन ऑफ प्रोड्यूस हीट एंड इनडायरेक्टली कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द बायोफ्यूल्स. ठीक है, यानी हम बायोफ्यूल्स का उपयोग कर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और इसको कम्बशन के थ्रू भी जो है इसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. राइट, बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू अदर यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स लाइक एथेनॉल, बायोडीजल एंड मीथेन गैस गैस. ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो जो बायोमास है उससे हम अलग तरह और भी कई तरह की एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी सोर्सेज के थ्रू बनाए जा सकते हैं, जैसे एथेनॉल है, बायोडीजल है, मीथेन गैस है, इन सभी का उपयोग किया जा सकता है. राइट, तो इसको भी आप यहाँ पे बता दोगे बायो एनर्जी सोर्सेस. इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी. राइट, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो.